नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 थाउजेंड के जी वैन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज़ ट्वेंटी एट थाउजेंड न्यूटन देन द एक्सेशन विल भी हमें बताना है एक्सेशन क्या होंगे चार ऑप्शन है फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड या डाउनवर्ड uh, या फिर फोर्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड या फिर थर्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स ये अपने चार ऑप्शन दिए हुए हैं नो इस अगेन एफ बी डी बना के बड़ा सिंपल सवाल है एफ बी डी बना के आराम से हो जाएगा सो से फॉर एग्जाम्पल ये अपनी लिफ्ट है इस लिफ्ट का जो मास है वो अपने को दिया हुआ है टू थाउजेंड के जी टू थाउजेंड के जी इसका मास है और इसके ऊपर यहाँ पे uh, लिफ्ट का जो एक्सलेशन है uh, टेंशन हमें दी हुई है ट्वेंटी एट uh, टेंशन जो है दैट इज ट्वेंटी एट थाउजेंड न्यूटन और नीचे आपका फोर्स लग रहा है एम जी और ये पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सलेशन से और हमें इस ए की वैल्यू क्या है ये बतानी है हालांकि सो so, इस केस में हम सिंपल एफ बी डी हमने बना लिया है इसकी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे हम कह सकते हैं टेंशन टी माइनस एम जी यानी कि टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टेन ये एम जी हो गया विल बी इक्वल टू एम ए यानी कि टू थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ए अगर हम उसको ऑटो तो टी की वैल्यू हमें ट्वेंटी एट थाउजेंड दी हुई है सो दिस विल बी ट्वेंटी एट थाउजेंड माइनस इसको करेंगे दिस विल बी ट्वेंटी थाउजेंड विल बी इक्वल टू टू थाउजेंड ए तो आपकी एक्सोलेशन की वैल्यू आ गई इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे सो दिस विल बी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड विच मीन्स फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाउ क्योंकि आपकी टेंशन ऊपर uh, की तरफ ज़्यादा है नीचे एम जी कम है तो एक्सेशन आपका अपवर्ड्स होएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर